तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे एडिटिंग के बारे में। दोस्तों चाहे मीडिया इंडस्ट्री की बात करें या फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, एक अच्छे एडिटर की डिमांड हमेशा रहती है। एज ए वीडियो एडिटर आपको करियर बनाना है तो सबसे पहले इंग्लिश की समझ अच्छी होनी चाहिए, हिंदी की समझ अच्छी होनी चाहिए, और जिस रीजनल लैंग्वेज में आप काम कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, उसकी समझ अच्छी होनी चाहिए। आप क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एडिटिंग सीखने के बाद में, क्योंकि हम चीज़ें सीख जाते हैं कि हमें इसे कैसे बनाना है, लेकिन उसको कितना इंटरेस्टिंग बनाना है या कितना मज़ेदार बनाना है कि लोग उसे देखें, पसंद करें और समाज को वो मैसेज जाए जो वो जानना चाहते हैं उस वीडियो के माध्यम से, जो आप समझाना चाहते हैं यानी जो डायरेक्टर बताना चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें वो सारी चीज़ें दें कि जिससे एक आम पब्लिक या जिसको हम वो वीडियो देना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं आम जनता को, मासेस को, वो अच्छे से उसे समझ पाए। आपको ये समझ होनी चाहिए कि वीडियोस फुटेज कैसी अच्छी होंगी, किस तरीके से उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और उसी के साथ साथ किस पोर्शन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और उसको कैसे एडिट करके और एक अच्छा सा मैसेज हम निकाल सकते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज की डेट में मैं बताऊँ तो वीडियो एडिटर्स की बहुत रिक्वायरमेंट है मीडिया इंडस्ट्री में। हमेशा मैं देखता रहता हूँ हमारे कई सारे एडिटर्स के जो ग्रुप हैं उसमें मैसेजेस आते रहते हैं कि यहाँ पे इतने एडिटर्स की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर इतने एडिटर्स की रिक्वायरमेंट है। बहुत ही अच्छा स्कोप है एज ए एडिटर अगर आप काम करना चाहते हैं तो, हमेशा डिमांड रहती है, लाख लाख रुपए तक महीने कमा सकते हैं इस फील्ड में आकर के, लेकिन वो कैसे कमाएंगे, किस तरीके से काम करेंगे और सैलरी बेसिस कैसे काम करेंगे या फिर फ्रीलांस करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। बस आपको छोटा सा काम करना है कि हमारे वीडियो को ढेर सारा प्यार देना है, लाइक्स करना है और कमेंट्स करके पूछना है कि हम इसमें आगे और क्या कर सकते हैं। आपका इंगेजमेंट जितना ज़्यादा इस वीडियो में रहेगा उतना ज़्यादा हम अच्छे से आपको बता पाएंगे कौन कौन से वीडियो एडिटर्स की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पर होगी, कौन कौन से जो सॉफ्टवेयर हैं वो रिक्वायरमेंट होते हैं एक इंडस्ट्री में, उसके बारे में भी हम बताएंगे। प्रोफेशनल की हम बात करें तो एडोब प्रीमियर प्रो है, फाइनल कट प्रो है, डिविंसी रिजॉल्व है, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जो एडिटिंग के लिए अच्छे माने जाते हैं। तो अगर आप जानना चाहेंगे कि एडिटर्स कैसे बने, क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और किन किन फील्ड में जॉब्स आती हैं, या फिर अपना कुछ काम करना चाहते हैं एज ए फ्रीलांस एडिटर तो उसको कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया और कमेंट किया तो हम उस कमेंट्स का जवाब देंगे, और जितना ज़्यादा आप कमेंट्स करेंगे उतना ज़्यादा हम भी मोटिवेट होंगे और हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। दृष्टि प्रोडक्शन, अ डिजिटल स्टोरी टेलर ऑफ योर इमेजिनेशन।